चलिए, तो कैसे हैं आप सब? फाइनली आप सभी के इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सेंटर की परीक्षा जो ली जा रही है उसी का एक क्वेश्चन पेपर जो कि हिस्ट्री इतिहास का है, काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं फिर से एक वायरल वीडियो की शुरुआत। आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दिए एग्जाम से पहले, और सभी तक ये पेपर जो है पहुंच जाना चाहिए। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है टोटल कहा गया है कि सारे क्वेश्चन ये आप लोगों को सेंटर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ तो मैंने सोचा कि आप सभी को जो है यहाँ से सारे क्वेश्चन का आंसर दे दूँ ताकि आप लोग अच्छे से जो है एग्जाम में लिख सके, ठीक है। तो इसलिए आपके जो रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर देना है और सभी तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए एग्जाम से पहले, ठीक है। तो हो सके यही पेपर आप लोग एग्जाम में देखने को मिल जाए तो अच्छी बात है। आप लोग अच्छे से आप लोग यहाँ से सारे क्वेश्चन को देख लेंगे तो आपकी तैयारी पूरी तरह से हो जाएगी, ठीक है। देखिए आप कह रहा है कि हरप्पा जो किस नदी के नजदीक स्थित है, इससे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो का कंप्लीट PDF भी मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। बताइए यहाँ पे हरप्पा किस नदी के किनारे स्थित है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। सबको पता है रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर हम लोगों को कालीबंगान जो स्थित है वो कहाँ पे है, कालीबंगान वो कहाँ पे स्थित है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे राजस्थान। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राय बहादुर दयाराम शाह ने कहाँ उत्खनन करवाया था। तो राय बहादुर दयाराम शाह ने जो उत्खनन करवाया था वो कहाँ करा था, बिल्कुल सभी को पता होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका कहाँ हो जाएगा, हड़प्पा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हड़प्पा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन करके राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष जो है किस वर्ष मिले थे, 1920, 1921, 1922, 1923। मोहनजोदड़ो की बात कही जा रही तो डेफिनेटली इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे 1922 को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नानगर के जो अवशेष जो कहाँ से प्राप्त हुए थे, क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहा कि धम्म महामात्रों को या फिर धम्म महाओं क्या किया, महामात्रों को किसने नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहां पे सी होगा, अशोक ने किया था। किसने किया था, अशोक ने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। त्रिपिटक जो साहित्य वो किस धर्म से है। त्रिपिटक का संबंध डेफिनेटली सबको पता होगा, इसका संबंध जो है बौद्ध धर्म से है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर हम लोग को 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा किया जाएगा ऑप्शन नंबर यहां पे ए जाएगा, क्या जाएगा, मगध। मगध ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करके अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय की जानकारी मिलती है। तो पता होगा क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां पे ए हो जाएगा, यहाँ पे मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले बढ़ते क्वेश्चन हम लोग को, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका 13वीं शिलालेख, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन करा कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में एक नया सिद्धांत जोड़ा था, उसका नाम बताना आप लोगों को। देखिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन होगा। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मचर्य, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन का हम लोग को, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा समुद्रगुप्त। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कर हम लोग को, एल्लोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो किस राजवंश ने कराया था। एल्लोरा के कैलाश मंदिर का जो निर्माण किया था वो किसने कराया था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका राष्ट्रकूट, ऑप्शन नंबर यहां पे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग कराया कि स्तूप का संबंध जो है किस धर्म से है। स्तूप का संबंध जो है किस धर्म से है। 14 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जगह, बौद्ध धर्म से। किस जगह, बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग को, ब्राह्मण जो है, अच्छा यहाँ पे ब्राह्मण नहीं है, जीवक किस वंश के काल में था। जीवक जो है वो किस वंश के काल में था। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या जाएगा, 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, क्या जाएगा, हरियक वंश, ऑप्शन नंबर सी हरियक वंश। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। कहेंगे 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला था। 16 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर करेंगे फटाफट क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका एरन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा एरन। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहेंगे अशोक की राजद्रोहन तिथि वो क्या थी। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, अशोक की राजद्रोहन तिथि क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 259 से 268 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग को, कनिष्क की राजद्रोहन तिथि जो है क्या, कनिष्क की राजद्रोहन तिथि क्या। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 78 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग को, महाभारत का युद्ध जो है कितने दिनों तक चला था। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, महाभारत का युद्ध जो है कितने दिनों तक चला था। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 10 दिन या 18 दिन या 17 दिन। तो डिफरेंस भी पता होगा, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 18 दिन, महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। चलिए
लगे क्वेश्चन हम लोगों को। अलबरूनी जो किसके साथ भारत आया था, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अलबरूनी जो भारत आया था मोहम्मद गजनवी के साथ आया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, महमूद गजनवी। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को कि इब्न बतूता जो किस देश का निवासी था, इब्न बतूता जो किस देश का निवासी था, तो डेफिनेटली सबको पता होगा ये मोरक्को का था, कहाँ का था, मोरक्को, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो की थी ये की थी आपका हरिहर और बुक्का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा कबीर जो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है किस संत ने किया था, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो है आरंभ किस संत ने किया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 23 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है रामानंद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन कर हम लोग को कि आयन अकबरी जो कितने भागों में विभक्त है, तो आयन अकबरी 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन का ये, आयन अकबरी जो है वो आपका 5 भागों में विभक्त है, ऑप्शन नंबर डी जो है अकबर नामा जो 3 भागों में विभक्त है, अकबर नामा का तीसरा का नाम है आयन अकबरी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन कर हम लोग को, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो बिताया था वो कहाँ पर बिताया था, वो बिताया था आपका दक्षिण भारत में, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर हम लोग को कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास जो किसके समय में हुआ था, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 26 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां पे सी हो जाएगा, जहांगीर, स्थापित कला नहीं जहांगीर नहीं आपका यहां पे शाहजहां हो जाएगा, स्थापित कला पूछे तो आपको ऑप्शन नंबर सी मारना है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हम लोग, कि शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो स्थित है वो कहां पे, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए यहां पे, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो जो आपका ऑप्शन नंबर यहां पे डी हो जाएगा, अजमेर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन कर हम लोग को, इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो कब हुई थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पूछ रही है, 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, 1600 ईस्वी, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, 1600 ईस्वी बिल्कुल राइट करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग को, कैप्टन हॉकिंस जो किस मुगल शासक के दरबार में आया था, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कैप्टन हॉकिंस की बात की जा रही है और किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग को, निम्नलिखित में से अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जगह मेवाड़, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, कराए कि निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सबको पता है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग को, पुर्तगाली ने गोवा पर कब अधिकार किया था, तो डेफिनेटली सबको पता होगा पुर्तगाली ने गोवा पर जो अधिकार किया था कब किया था, 1510 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर आपको, सहायक संधि की नीति कार्यविंती जो है की किसने की थी, ध्यान देंगे 33 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वेलेसली, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, करा कि अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, अवध में अवध की बात की जा रही है, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चलेगा बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर सी बेगम हजरत महल। चलिए अगला क्वेश्चन कर हम लोग, 1857 का विद्रोह जो आरंभ हुआ था वो कब हुआ था, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, 1857 का जो विद्रोह आरंभ हुआ था 10 मई को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन कर हम लोग को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कब माने जाते हैं, ऐसा संस्थापक जो है कौन माने जाते हैं, तो ए ओ ह्यूम को माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए ओ ह्यूम को जो है संस्थापक माने जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन कर हम लोग को, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी सबको पता है 1906 को हुई थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन करेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड काफी इजी क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग को जो है यहाँ पे पूछ रहा है आप लोगों को, दांडिया पे किस राज्य में स्थित है, तो दांडी आपका जगह गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, दांडी जो है गुजरात में हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग को, पूना समझौता जो है किस वर्ष हुआ था, पूना समझौता की बात की जा रही है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, पूना समझौता 1932 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको, निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था, किसका प्रकाशन जो कि अबुल कलाम आजाद ने किया था, तो अल हिलाल, सबका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी अल हिलाल, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन हम लोग को, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है कब हुआ था, तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण की बात की जाए तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 1924 को हुआ था, कब हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग को, कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, ये हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, कौन सा आंदोलन, भारत छोड़ो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हमको देखिए, कहा कि दिल्ली चलो का नारा जो किसने दिया था, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, 44 क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, कहा कि कैबिनेट मिशन के सदस्य जो थे वो कौन थे, कैबिनेट मिशन के सदस्य की बात की जा रही है, तो 45 क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी
बिल्कुल करेक्ट आंसर जगह चिली नेशन होगी। लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय के रूप में जो पद ग्रहण किया था वो कब किया था? 46 का क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 24 मार्च 1947। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो कौन थे? इस क्वेश्चन का जो आंसर जगह क्या होगा, 47 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा, बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया था? 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो है नहीं था वो किस में नहीं था? 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, संविधान में। किस में नहीं था? संविधान में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो बिल्कुल सभी का आंसर अच्छी, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, तो आपको 85 क्वेश्चन का आंसर देना है, इसलिए मैं यहाँ से 85 क्वेश्चन कवर किए मतलब कर रहा हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक नहीं किए हैं लाइक कीजिए, और इसका PDF जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ वहाँ से मिल जाएगी, या फिर गूगल पे boardparikshaa.com लिखेगा तो भी वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहीं तक हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलती है इसी तरह के नए अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।